20 मार्च से 10वीं व 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू होने जा रहा है। इस बार खास बात यह है कि नए आदेश अनुसार सरकारी स्कूल के प्राचार्यों की मूल्यांकन कार्य में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इस दौरान उनसे नए सत्र का कार्य करवाया जाएगा। बोर्ड की लाखों कॉपियों को जांचने का प्रथम चरण शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर मूल्यांकन केंद्र पर तैयारी शुरू हो चुकी है। मूल्यांकन कार्य में तकरीबन 25,000 से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई, वहीं अन्य शिक्षकों का पंजीयन भी किया जा रहा है। बोर्ड ने मूल्यांकन के लिए विषयवार सूची भी बनाई है। जिस विषय की कॉपी के बंडल खुलेंगे उसी विषय के शिक्षक को बुलाकर मूल्यांकन कार्य शुरू कराया जाएगा। वही इस बार प्राचार्य को मूल्यांकन कार्य से दूर रखा गया है। भोपाल से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि इस बार हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी प्राचार्यों की ड्यूटी मूल्यांकन कार्य में न लगाई जाए। नए सत्र में प्राचार्यों से अन्य काम लिया जाएगा। वहीं मूल्यांकन केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी भी चल रही है। करीब 1000 शिक्षक रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें विषयवार हमें डिमांड रहेगी, हम वरिष्ठ कार्यालय को लिख के देंगे, वो भिजवाएंगे और 16 तारीख तक पेपर होंगे, वो प्रथम चरण में आएंगे। और प्रथम चरण में अभी तक की जो कॉपी है वो हमारे यहाँ जहाँ की भी आएंगी कॉपियों का मूल्यांकन करना है। और विषयवार भी हमें बताया जाएगा कि इस विषय में शिक्षक चाहिए, वो हम वरिष्ठ अधिकारियों से के और पालेंगे। मूल्यांकन केंद्र पर तैयारी अंतिम चरण में है। मूल्यांकन का दूसरा चरण अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में शुरू होगा।